सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। होप यू आर गुड। थोड़ा गर्मी लग रहा था तो धूप की वजह से बांध लिया था रुमल। साइकिल करने आया था। कहाँ जाते हैं ये लोग इतने सारे? सुबह पूरा जाम करके रखा हुआ है। ऑल द बेस्ट गाइज। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है और डिस्कस करनी है, यू कैन से। हमने आईपीएल फाइनल देखा, उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की जो हम मे बी हमारी लाइफ में कभी ना कभी देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, करते चले जाते हैं और फिर हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की। जब भी मैच ख़त्म हुआ तो आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर चल रहा था तो धोनी अपने डगआउट में बैठे हुए थे और एकदम काम लग रहे थे, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे जैसे वो पहले से करते आ रहे। इतनी खुशी का माहौल भी था, जबकि लास्ट ओवर तो काफ़ी टेंस भरा माहौल हो गया था। लास्ट दो बॉल में 10 रन करने थे तो काफ़ी टेंस भरा माहौल था। सारे प्लेयर्स को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि टेंस लग रहे थे, लेकिन धोनी अपने डगआउट में एकदम आराम से बैठे हुए थे। मतलब वो ना ही अपना दुख जो है या फिर टेंशन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और ना ही अपनी खुशी है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, वो बैलेंस रखते हैं। वो बहुत ही बड़ा मेजर अचीवमेंट कह सकते हैं हम लोग लाइफ में। बिकॉज हम लोग कभी क्या करते हैं कि हमारा एकदम जब भी हम लोग बहुत अच्छे खासे अचीव कर लेते हैं या फिर सक्सेस मिलने लगता है तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते तो ऊपर चले जाते हैं कम, फिर हम लोग एकदम डीपली डिप्रेस होकर नीचे चले जाते हैं। कभी हमको लाइफ में प्रॉब्लम या टेंशन चालू हो जाता है तो वो जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस नहीं रह पाता और ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को, आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ हमने नोटिस की कि धोनी ने अपने सबसे हैप्पी मोमेंट्स और सबसे टेंस मोमेंट्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किए और लास्ट में वो बैलेंस इतना करके रखा कि हमने देखा भी सही कि जब भी जडेजा वो उसके पास आ रहे थे उन्हें उठा लिया, वो टाइम पे थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हुए थे और वो थोड़े आँखों में भी आंसू आ गए थे धोनी के, तो वो जो एक्सप्रेशन शेयर किए थे लेकिन वो विद इन फ्यू सेकंड्स उसने तुरंत ही कैप्चर कर लिया और वो वापस बैलेंस मोड में चले गए। तो इससे हमारा माइंड काफ़ी स्टेबल रहता है और लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लेने में या फिर बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन आती है तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं और वो टाइम पे अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी घड़ी में क्या चीज़ करनी है और कैसे करनी है और उसको कौन सा डायरेक्शन देना है। तो बहुत ही बड़ी चीज़ हमने सीखी। सब लोग आईपीएल एंजॉय कर रहे थे और चेन्नई की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं भी कर रहा था अपने घर पे, बट मैंने ये बहुत ही अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की। आई होप आप लोग भी ये चीज़ नज़र में आई होगी और ये बहुत ही अच्छा लेसन है हम लोग सीख सकते हैं अपनी लाइफ में और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी मिले अपने गोल्स अचीव करने में या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन को हैंडल करने में और हम अपनी लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। सो हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो वी कैन गेट कनेक्टेड फॉर ऑल द टाइम। थैंक यू, टेक केयर।